नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला की एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं ओम निश्चल और यह पुस्तक है कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी के जीवन पर लिखी हुई यह पुस्तक है जिसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। 60-70 दौर के लेखक कैलाश वाजपेयी ऐसी शख्सियत थे जिनके पास किसी ज़माने में ओशो अपनी पहली पुस्तक की भूमिका लिखवाने आए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके गीतों को एक अलग स्वर, अलग दुनिया मिली। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि वे अगर केवल गायक बनते तो भी बहुत आगे जा सकते थे। विरल प्रतिभा के कवि थे, बहुत अच्छे मनुष्य थे, संबंधों में जीते थे और उन्होंने दुनिया भर की यात्राओं के बीच और कई तरह की नौकरियों के बीच, जिनमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, अध्यापन, कविता पाठ, हर चीज़ शामिल थी, बावजूद उसके बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें हवा में हस्ताक्षर है कुछ दिखे और डूबा सा अनडूबा तारा व हंस अकेला। इसके अलावा वे समीक्षाएं पढ़कर लोगों को फोन भी करते थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ओम निश्चल को खुद बताई थी। इस पुस्तक को लिखने में उनकी बेटी अनन्या वाजपेयी और उनकी पत्नी रूपा वाजपेयी ने भी काफ़ी मदद की। कैलाश वाजपेयी का जीवन अपने आप में बहुत ही अनूठा था। यह पुस्तक यह बताती है कि वे किस तरह लेखन क्षेत्र में आए और वे कितने मिलनसार थे, कितने सहृदय थे। जिस ज़माने में वह पढ़ाई कर रहे थे, 16 घंटे से अधिक पुस्तकालय में बिताते थे। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1936 को। वहाँ से वह पढ़ाई लिखाई करते करते लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए और वहाँ उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में शिल्प इस विषय पर शोध किया, फिर वहाँ पढ़ाने लगे। लिखने के दौरान वे मुंबई भी कुछ समय के लिए गए। मुंबई से फिर वो दिल्ली आए और लखनऊ, दिल्ली, मुंबई के बीच होते हुए अंततः दिल्ली में रुक गए। वे रघुवीर सहाय, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इस तरह के तमाम लोगों के बहुत ही नज़दीकी थे और उन्होंने उनके जीवन में, उनके रचना कर्म में सभी का एक अपना अलग अनूठा प्रभाव था। अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया, मॉरिशस, फ्रांस, इटली, स्वीडन, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, दुनिया भर के देशों में उन्होंने काव्य पाठ में शरीक हुए और वहाँ के लोगों पर उन्होंने न केवल डॉक्यूमेंट्री बनाई, वृत्तचित्र बनाए, बल्कि वहाँ के कवियों, लेखकों, संस्कृति से जुड़े रहे। कैलाश वाजपेयी कई अर्थों में एक शोधार्थी थे, एक जिज्ञासु थे, जिनके लिए भाषा, कला और शब्दों की दुनिया हमेशा खुली हुई थी। यह पुस्तक बताती है कि वे हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, इन लोगों के कितने निकट थे और वे जीवन के किसी भी पड़ाव पर रहे हों, किसी भी विधा को उस दौरान साध रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना पढ़ने का कर्म नहीं छोड़ा। पुस्तक कई महत्वपूर्ण शख्सियतों से उनके मुलाकात का भी जिक्र करती है, जिसमें गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इसके अलावा इंदिरा गांधी से उनकी निजी संबंध, कवि वाजेन सेस्की, कई तरह के लोगों से उनकी मुलाकात का ब्यौरा भी है और उन्होंने अपने कवि कृतित्व को किस तरह से बहुआयामी बनाया,
इसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। पुस्तक यह बताती है कि वे क्या लिख रहे थे, उनकी कविताओं में किस तरह से मानवीय संवेदना थी। जैसे उनकी एक त्रिपदी शीर्षक की कविता है, लिखा है, दुख को है दुख, उसको चाहता कोई नहीं, और सुख को दुख, उसकी आंख अनरोई रही, मार सुख की मार से सोई नहीं। अगर कोई दूसरी उनकी डर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, डर से बेखबर कोई नहीं, क्योंकि डर कोई खबर नहीं, मजहब की एक सिफत यह भी है, उस जैसा कोई जहर नहीं। ओम निश्चल ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही प्रयास से, उनके निजी लोगों को मिलकर और उनके लिखे हुए समूचे साहित्य को पढ़कर इस पुस्तक का सृजन किया है। उनके चिंतक गद्य को लिखा है, एक कवि चिंतक के रूप में क्या लिखता है, एक कवि का कथानक क्या हो सकता है, एक कवि अपने आलोचक रूप में कैसे हो सकता है, उस कवि की कविता में आधुनिकता किस तरह से व्याप्त थी, किस तरह से उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, भारतीय चिंतन का कैलाश वाजपेयी पर क्या प्रभाव रहा, उनका कविता संसार क्या है, यह लिखा है। कवि का कृतित्व और उनकी बहुआयामिता तो लिखा ही है, बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ लिए हैं। इसके अलावा उनका समूचा जीवन वृत्त कि वे कब पैदा हुए, किस दौरान कहाँ पढ़ा रहे थे, उनके महत्वपूर्ण कृतियों का, कृतित्व का इस पुस्तक में पूरा ब्यौरा है। मैंने पहले बताया था कि साहित्य अकादमी इसका प्रकाशक है, मूल्य केवल 50 रुपये है। साहित्य अकादमी सस्ते दाम पर इस तरह की पुस्तकें, खासकर भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला की जो पुस्तकें निकालती है, वह हिंदी के शोधार्थियों, साहित्य सेवियों और साहित्य में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए न केवल उपयोगी है बल्कि सुलभ भी है। 102 पृष्ठ संख्या है। इस पुस्तक को निश्चित रूप से खरीदा जाना चाहिए और इस श्रृंखला की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको खरीदा जाना चाहिए। ओम निश्चल इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि अपने आलोचक, समीक्षक, कवि और गीतकार के रूप में व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कैलाश वाजपेयी पर एक महत्वपूर्ण काम करके हिंदी को समृद्ध किया। उम्मीद है साहित्य तक पर आपको हमारी द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। पुस्तकें खरीदें, खरीद कर पढ़ें, ताकि पुस्तक संस्कृति विकसित हो और आपके ज्ञान का भंडार भरता रहे। धन्यवाद।